रोहतास में कहाँ से हैं? कोचस। अच्छा कोचस से हैं, क्या बात है। चलिए आपको यहाँ कितना दिन हो गया ज्वाइन किए हुए? 13 दिन। अरे क्या बात है, तो गिन के रखे हैं। चलिए तो कैसे आपके दिमाग में आया कि हमको मोबाइल में, इससे पहले कुछ करते थे कि नहीं करते? पढ़ाई करते थे, लेकिन आप सक्सेस उधर नहीं हुए ना? बीपीएससी टीचर के मैं करते थे। अच्छा बीपीएससी टीचर, क्या बात है। सफल हो रहे थे, घर का एग्जाम हो रहे थे, सब ये सब हो गया है। एकदम देखिए क्या है ना कि अगर आप मैट्रिक इंटर आई ए बी ए बीपीएससी टीपीएससी जो भी आप कर रहे हैं ना, और कितनों बड़ा टीचर के साथ पढ़ रहे हैं या जो भी है, तो वहाँ फिक्स नहीं है कि हमारी नौकरी होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर 3 महीना यहाँ अच्छा से सीख लिए ना, तो ये फिक्स है कि आप कुछ ना कुछ कमा लीजिएगा, अपने परिवार को पालन पोषण कर लीजिएगा, ये फिक्स है। उस पढ़ाई से फिक्स नहीं है, लेकिन इस पढ़ाई से फिक्स जरूर है। लेकिन हाँ, वो पढ़ाई के बेसिक पे ही ये पढ़ाई है। अगर वहां नहीं पढ़ते तो यहाँ समझने में आपको तकलीफ हो जाता है। लेकिन हाँ, वहां पे होता है ना कि ज्यादा लाइफ अपने को टाइम को बर्बाद कर देना है। 40 साल उम्र हो गया, 35 साल उम्र हो गया, और हमने ट्राई में ही रह गया, और जॉब नहीं मिला, तो पता चलता हम कहीं का नहीं रह जाते हैं। लास्ट में शादी भी हो जाता, बच्चा हो जाता है, और फिर सारा बोझ किस पे जाता है? हमारे गर्जीवन पे जाता है। तो ऐसा सोच नहीं होनी चाहिए, हमको साइड से कुछ कमाना भी चाहिए। चलिए आप आगे जाइए और उसमें पास हो जाइए, क्योंकि हमारे, मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ ही एक परवीन सर थे, हम लोग साथ में सैमसंग में काम करते थे, और उनका भी उसी तरह से नौकरी लगा। वो आज भी कोइलवर स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। परवीन सर अगर वीडियो मेरा देखेंगे तो जरूर याद करेंगे। वो क्या है कि वो आज भी कोइलवर स्कूल में पढ़ा रहे। पहले हम लोग 6-7 साल सैमसंग में काम किए, और अचानक बोल रहे हैं मेरा टीचर में नौकरी लग गया, मतलब पूरा पार्टी खुशी में खुशी। स्टार्टिंग में सिलेक्शन हुआ ना, बहुत कम मेरिट लिस्ट पे। हाँ। चलो ठीक है भाई, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका नाम क्या है? प्रेम कुमार जी। कहाँ से हैं? गया जिले से। गुरुआ। अच्छा, तो आपके दिमाग में मोबाइल कैसे आया कि मोबाइल ही सीखे, बाकी यहाँ बहुत सारे कोर्स है, तो आपको दिमाग में कैसे आया? मोबाइल, ठीक है। आगे का मतलब प्लान क्या है, जॉब या शॉप? सर मतलब सोच रहे कि 6-7 महीने में सर्विस सेंटर पर ही रहेंगे, कंपनी में कहीं भी मतलब एक्सपीरियंस ले लेंगे। चलिए ये सोच अच्छा है, ये सोच आपके लिए अच्छा। थैंक यू भाई। आपका सर कहाँ से है आप? झांसी से। झांसी यूपी। अरे क्या बात है। अच्छा पापा का दुकान था, तो आप अच्छा ये बताइए, झांसी से आपका नजदीक उधर दिल्ली भी है और भी यूपी में भी बहुत सारा ट्रेनिंग सेंटर है, तो आप यहाँ पटना बिहार टेक्निकल में कैसे आए? हाँ, फीस उधर ज्यादा हो रहा था और बिहार टेक्निकल का फी कम है। बिहार टेक्निकल का फी इसीलिए कम है, पहला चीज कि हम जब सीखने आए थे पटना में, तो हम भी गरीबी थे, ठीक है। हम भी क्या थे कि गरीबी थी, एक चौकी पे आधा में गोईठा रखा था और आधा में दो भाई हम लोग सोते थे, ठीक है, और दिन भर चूहा हम लोग दही को कूदता था, ठीक ना। तो हम भी जब आए थे तो इसी रूप में सीखे थे, गरीब ही थे, और जब यहाँ सीखने के बाद अपना लगन को दिखाया, कमाने लगा, आज मैंने सब कुछ कर लिया अपना। तो हम देखो इसीलिए फी को कम रखे हैं कि जितने भी गरीब परिवार के बच्चे हैं यहाँ आए, सीखे, जितना हमने किया उतना वो करके जाए, ठीक है। चलो ठीक है भाई, झांसी से आए, यूपी से, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम रिपू सिंह है। रिपू सिंह कहाँ से है? असम से। असम, अरे बाप रे बाप, इधर बंगाल, इधर यूपी और इधर असम, नेपाल, और सॉरी नेपाल, क्या बात है, थैंक यू। चलो आप कैसे आए यहाँ पे? सर मैंने यूट्यूब पे, इसका यूट्यूब का पहले से बहुत मन था। हाँ, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं सबके। अच्छा, तो आपका भी तो मैंने आपका भी देखा, तो मुझे अच्छा लगा आपका, और फीस भी कम थी, बाकी सब में जितना फीस 40,000 ये सब फीस था। हाँ, आपका मैं 10,000 में सब कुछ अच्छा सिखा था। तो यहाँ आए तो फिर 2-3 दिन क्लास किए तो अच्छा लगा, सब समझ में आया। चलो ठीक है भाई, थैंक यू, आसाम से आप आए, और क्या बात है, हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी से प्रार्थना यही करते हैं कि हमारे जो भी यहाँ पे आए हैं अच्छा से करके जाएं और अपने घर पे अपना नाम, अपने घर जीवन का नाम रोशन करें और पैसा कमाएं, ठीक है भाई, थैंक यू, चलिए।